क्या वो करेगा लेके। हेलो एवरीवन, हम आज निकले नए टूर पे सूर्या देवी गोला पार के लिए। कुछ झलकियां आपको वहां की भी दिखाएंगे, चलते हैं। सब कुछ त्याग के बैठा कहीं भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुण गाने नहीं। तो गाइस अभी हम अंदर आ गए हैं मेन रोड से सूर्यगलिया वाली। रास्ता उबड़ खाबड़ है, खराबी अभी स्टार्टिंग में, तो फिर थोड़ा ठीक मिला है। हम स्कूटी लेके जा रहे हैं, आगे जाके नहीं देखना पड़ेगा रास्ता कैसा होगा। हाँ तो गाइस अभी भी देखिए पूरा रास्ता घने जंगल से घिरा हुआ है रास्ता है। बीच में पैदल और स्कूटी वगैरह जा सकती है, बड़े गाड़ी ट्रैक्टर ट्रक वगैरह और आपकी पिकअप वगैरह आराम से आ सकती है, लेकिन पैदल के लिए बहुत खतरनाक है। दोनों तरफ से घना जंगल है और अभी तो मुझे एक भी आदमी नहीं दिखा है सामने। हाँ तो गाइस एक पेड़ के पास पहुँचे हैं अभी रास्ते में। देखिए चार भाई पेड़ बोलते हैं, तो चार भाइयों ने मिलकर इस पेड़ को लगाया और चिपका हुआ है बिल्कुल नीचे, पूजा करने के लिए बनाया हुआ है और ऊपर से एक ही शेप में पूरा पेड़। देखिए आप पूरा जॉइंट पेड़। ये देखिए पहाड़ का रास्ता, इधर से मैदान और इधर उसका विपरीत पहाड़। तो गाइस हम अभी तक लगभग 3-4 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं और ये अब गोला सी दिख रही है हमको नदी सी बगल पे। रास्ता अभी भी खराब है डाउन पे, शायद वो पहाड़ी के पीछे पे मंदिर है, सामने एक पहाड़ी दिख रही है, देखते हैं आगे जाके कितना दूर और है। अगर आप आते हैं इस रास्ते पे तो लगभग एंड में आपको एक नदी सी पार करनी पड़ेगी। ये रास्ता अगर जिस समय बारिश हो उस समय पता नहीं, अभी तो पानी बहुत कम है। तो गाइस हम लगभग फाइनल पहुँच ही गए हैं एंड पे। सूर्या देवी प्रांगण में सामने वो पेड़ की जगह सूर्या देवी मंदिर और पहाड़ों से घिरा पूरा एरिया। हम पहुंचे हैं अब उस दरबार में जहाँ की मान्यता है, जहाँ कहा जाता है कि हर आने वाले की मान्यता माँ पूरी करती है, हर आने वाले की मन्नत भी यहाँ पूरी होती है। उसी आस में हम भी आज यहाँ सूर्या देवी मंदिर पे। ये भोला है भंडारी है, इसे पूरी दुनिया प्यारी है, देवों का भी दानव का भी, इसके मन भेद का भाव नहीं। इस समय हमारे दोस्त अभी नौमी दास आश्रम में, ये आश्रम श्री नौमी दास जी महाराज का आश्रम, तब दिखाऊंगा इतना बहुत ही अच्छा आश्रम, एकदम पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है, नीचे नदी है और सामने उस नदी के उस पहाड़ के सामने वाले पहाड़ के नीचे पे है सूर्या देवी मंदिर। तो गाइस एक और टूर सूर्या देवी का बहुत बेहतरीन रहा हमारे लिए और आपको झलकियाँ पूरी दिखाई मैंने जितना हो सका। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू।